साथियों, ईडब्ल्यूएस फैसला देश की दशा एवं दिशा दोनों में परिवर्तन लाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला दिया है, उसका सपाक्स पार्टी स्वागत करती है। इसी प्रकार देश में गरीबी के आधार पर अन्य वर्गों को भी लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है और भूख की भी कोई जाति नहीं होती है। सभी तरह के आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से गरीब, अति पिछड़े, अति दलित को मिलना चाहिए। उसके आधार पर आरक्षण 50% में सुनिश्चित किए जाएं, जिससे वास्तविक हकदार आरक्षण लाभ से वंचित लाभ पा सकेंगे और वर्षों से आरक्षण लाभ का दोहन करने वाले वंचित होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ, गरीब सरकार का आरक्षण बरकरार, बीजेपी ने भी स्वागत करा, कांग्रेस ने स्वागत किया, सपा स्वागत के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ है, सपाक्स पार्टी तो पहले ही आरक्षण को आर्थिक आधार की बात कर रही है, चाहे वो सामान्य वर्ग के लिए हो चाहे अन्य वर्गों के लिए, गरीबी के आधार के आरक्षण की बात करती है। और सब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसी प्रकार जो अति दलित वर्ग के लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए और आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि और उसकी सीमा भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50% जो लोग हैं वो आरक्षण गरीब लोगों को मिलना चाहिए और 50% में सभी जातियों जो जिस प्रकार से उसमें उनको भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जिनको एक बार आरक्षण मिल चुका है, जो लोगों को आरक्षण से वंचित है उन लोगों को मिलना चाहिए, ना कि जिन लोगों को मिल चुका बार बार उन्हीं को आरक्षण मिल रहा है। इसलिए सपाक्स पार्टी का कहने का मतलब है कि गरीबों को दो, जो लोग वंचित हैं उनको आरक्षण दीजिए। दूसरा आपका बात कहने का है कि आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उसका एक ही रीजन है कि गरीब की कोई जाति नहीं होती है और भूख की कोई जाति नहीं होती है, इसीलिए जो भी सुविधाएं देश में हैं, प्रदेश में, वो गरीबी के आधार पर होनी चाहिए। सर, आरक्षण के दुष्प्रभाव भी हमने देखने को मिले हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल का मामला आया था, भोपाल के पास का कि पटवारी पेड़ पड़ा और माफी मांग रहा है, वायरल हुआ। देखो, ये जब आरक्षण आर्थिक आधार पर हो जाएगा, गरीबी के आधार पर हो जाएगा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये तो उनका दुष्प्रभाव आरक्षण का नहीं है, ये तो एक एट्रोसिटी एक्ट जो कानून बना है उसके तहत है, क्योंकि उसमें डराया गया है, धमकाया गया है, डराया गया है, मतलब एक तानाशाही जैसे शासन कहते हैं। एट्रोसिटी एक्ट जो है वो एक ऐसा कानून बना दिया है जिससे आदमी उसका फायदा उठा रहे हैं और वो समाप्त होना चाहिए। सपाक्स पार्टी इसीलिए गठन हुआ था कि इन सब चीज़ों के लिए, आरक्षण के मुद्दे पे, एट्रोसिटी एक्ट के मुद्दे पे, और इसीलिए सपाक्स पार्टी का निर्माण हुआ। सपाक्स पार्टी ने नारा दिया था माई के लाल आरक्षण को लेकर। देखो, माई के लाल तो अभी भी जिंदा है और माई के लाल यही कह रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर गरीबों को मिलना चाहिए और जब तक इनका नहीं हो जाएगा ये माई के लाल चलता जाएगा। किसी ने चैलेंज किया था, आज सपाक्स पार्टी की उसकी जीत है कि कोई भी माई के लाल आरक्षण ये नहीं कर सकता, तो उन्होंने करके दिखा दिया है कि आपको सपाक्स पार्टी का झुकना पड़ा, पूरे देश को उसका फायदा गरीबों को मिला, इसी प्रकार अन्य वर्ग के लोगों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। सपाक्स पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला। सर, आपने सर्वनों की जो लड़ाई लड़ी उसका नतीजा क्या, 10% आरक्षण मिला, इसी प्रकार के पिछड़ों की प्रति जो मध्यम वर्ग गरीब लोग हैं उनके लिए आपको लड़ाई लड़ी? देखिए, मैं सपाक्स पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और देश का होने के नाते मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सपाक्स पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और गरीब के लिए लड़ी तो सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पड़ा। उसी प्रकार मैं अति पिछड़े और गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनको भी, उन गरीब लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए मैं निरंतर एक आंदोलन भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि उनको भी उनका लाभ दिलवाने का दिलाऊंगा। बिल्कुल बनेगा मुद्दा, उसका मुद्दा बनेगा, गरीबों के लिए लाभ के लिए लड़ाई पार्टी बनी हुई है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रही है, हर दफे बनी है। दलित वर्गों के लिए लड़ रहे हैं हम, ओबीसी वर्ग के लिए लड़ रहे हैं हम, सामान्य वर्ग के लिए लड़े हैं हम, सभी के लिए लड़ेंगे जिसको आज तक इन सब चीजों से वंचित रखा हुआ है, उन सभी के लिए सपाक्स पार्टी लड़ाई लड़ रही है। देखिए, चूँकि मैं सपाक्स पार्टी का महासचिव के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ
कि ये जो निर्णय हुआ है और उसके पूर्व सरकार ने 10% जो आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू किया वही हमारी जीत थी। हमारी पार्टी का आधार ही आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और एट्रोसिटी एक्ट जैसे जो काले कानून हैं ये समूल नष्ट होना चाहिए। तो हमने जो आंदोलन किए, धरना किए, जो हमने परिश्रम किया उसका प्रतिफल के रूप में 10% आरक्षण ये हमको प्राप्त हुआ और जो निर्णय दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हीं की उसी की ये परिणति है कि ये निर्णय आया और इसको हम स्वीकार करते हैं। साथ साथ केवल ये यही नहीं, ये सभी समाज की बात हो, वर्ग की बात हो, हम नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट जैसे जो काले कानून हैं ये समूल नष्ट होना चाहिए। इससे हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में विखंडन हो रहा है, समाज खंड खंड हो रहा है, ये निश्चित रूप से बंद होना चाहिए।